इस साल का स्वतंत्रता दिवस क्यों है विशेष? आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया? 15 अगस्त का समारोह लाल किले पर ही क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 के दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है? ये 15 अगस्त 2024 का दिन हमारे देश के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन हम सभी भारतीय अपनी आजादी की 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं। ये दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त को पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन इस साल कुछ विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है जो इस दिन को और भी खास बना देंगे। भारत की स्वतंत्रता की कहानी कई दशकों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाई थी, वह भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया था और देशवासियों को आज़ादी मिलने की घोषणा की थी। तभी से हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस साल का स्वतंत्रता दिवस विशेष है क्योंकि हम अपनी आज़ादी के 78 साल पूरे कर रहे हैं। इस मौके पर सरकार ने कई नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना है बल्कि देश को प्रगति और विकास के नए आयामों को स्थापित करना भी है। 15 अगस्त 2024 का समारोह लाल किले पर सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान का गान हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। उन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है। हर घर तिरंगा अभियान का तस्वीर। हर घर तिरंगा अभियान जो पिछले साल शुरू हुआ था, इस बार और भी व्यापक रूप में मनाया गया है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि इस बार सभी भारतीय घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसके लिए पूरे देश में जन जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया गया। मिशन 2047 की घोषणा। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने मिशन 2047 की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य अगले 23 सालों में भारत को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास और विशेष जोर दिया जाएगा। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत हर भारतीय नागरिक को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण। स्वतंत्रता दिवस पर महिला सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार ने नए कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाना है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूत बनाने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि हमें स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। डिजिटल इंडिया का विस्तार। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने इस साल और भी अधिक क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाया जाएगा और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें नृत्य, संगीत, नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ शामिल थी जो देश की विविधता और संस्कृति को दर्शाती है। लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में भी विभिन्न राज्यों की संस्कृति झलकियाँ प्रस्तुत की गई। इन प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसके अलावा बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत और नृत्य ने समारोह में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष रूप में उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सरकार ने उनके परिवारों को आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में गुमनाम नायकों को याद करते हुए उनके योगदान को भी सराहा गया। हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। देश के विभिन्न हिस्सों में चयनित वीर सैनिकों, पुलिसकर्मियों और अन्य नागरिकों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। इस बार भी कई बहादुर महिलाओं और बच्चों को उनकी साहसिक गतिविधियों के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार है। नया भारत शिक्षा योजना। इस योजना के तहत देश भर में नई शिक्षा नीतियों को लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और इसे अधिक सुलभ बनाना है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना।
इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ग्रीन इंडिया मिशन, इस योजना का उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे। नई कृषि नीति, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने नई कृषि नीति की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और उन्नत कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की युवा पीढ़ी को विशेष संदेश दिया। उन्होंने युवाओं को देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनकी ऊर्जा और जोश से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को शिक्षा, तकनीकी और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देशवासियों से अपील की कि वे देश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा, हमें एकजुट होकर देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। इसके लिए हमें आपसी मतभेदों को भूलकर देश के विकास के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और उसे और भी महान बनाना चाहिए। 15 अगस्त 2024 का ये स्वतंत्रता दिवस समारोह देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। हर जगह तिरंगे की शान देखने को मिली और देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। इस दिन ने न केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद दिलाया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए और इसे और भी मजबूत बनाना चाहिए। इस साल के स्वतंत्रता दिवस की एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। मिशन 2047 और अन्य योजनाओं के माध्यम से देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये दिन हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। इस दिन की यादें हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेंगी और हमें अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण के लिए प्रेरित करती रहेंगी।